हेलो फ्रेंड्स, जागृति इज वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सामा खिचड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और यहाँ पे हम आलू और लौकी के बिना बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 कप जितना सामा, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अभी हमने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है, उसमें हम 1 चम्मच जितना डालेंगे घी। घी हमारा हीट होने के बाद हम इसमें डालेंगे अखा जीरा 1 चम्मच जितना। तो जीरा हमारा क्रेकल होने के बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्ची। 1 हरी मिर्च हमने बारीक चॉप करके ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ग्रेट करके लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें मूंगफली हमने ली है थोड़ी सी, और कोपरे का छीण, मोटा वाला छीण हमें लेना है, बारीक नहीं लेना है। अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली को थोड़ी क्रश करके भी ले सकते हैं, पर ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 बड़ा टमाटर हमने बारीक चॉप करके लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर लिया है हमने, और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। 1 बड़ा ग्लास जितना पानी है। मेजरमेंट से अगर आप डालना चाहें तो जितना हमने लिया है सामा, उसका डबल हमें लेना है पानी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सामा डाल दिया और अच्छे से मिला लिया। अभी हम इसमें डालेंगे मरी पाउडर 1 चम्मच जितना। काले मरी का पाउडर है। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 व्हिसल आने तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो देखो, ये 1 व्हिसल के बाद, कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के बाद हमने खोला है, ये अच्छे से पक चुका है एकदम से। और अभी हम इसको गरम गरम ही सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अभी इसके पहले इसमें डालेंगे लेमन का जूस। तो आधा लेमन हमने लिया है, उसका जूस हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पे शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।